मेरे शहर में ज्यादातर जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें ईंटों का इस्तेमाल होता है। जब भी मैं घर के अंदर की पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, एक समस्या जिसे मैं सही ढंग से सुलझा नहीं पा रहा हूँ वो है दीवारों में उठती सीलन जो जमीन से शुरू होती है। मैंने कई प्रोडक्ट मिला जुला कर भी आजमाए हैं पर यह समस्या जल्दी ही फिर से उभर आती है जिससे पेंट पपड़ी बनकर उखड़ जाता है। मेरे शहर के सभी पेंटर इस समस्या को दीवारों का कैंसर कहते हैं। आपके पास इस कैंसर का कोई इलाज है? ऑस्कर, जमीन से उठती सीलन को दीवारों का कैंसर कहा जा सकता है और इस बीमारी का इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सीलन न सिर्फ घर की खूबसूरती को बिगाड़ती है बल्कि इससे घर में बदबू पैदा होती है तथा जीवाणु और फफूंदी भी पनपते हैं जिनकी वजह से सांस की कई तकलीफें होती हैं जैसे कि अस्थमा। चलिए देखते हैं जमीन से उठती सीलन क्यों होती है। ईंट की दीवारों में एक दूसरे से जुड़े छिद्र होते हैं जो एक नली की तरह काम करते हैं। जमीन में पानी का स्तर ज्यादा ऊंचा होने की वजह से या फिर बारिशों के मौसम में पानी नलियों में जाता है और फिर दीवार में ऊपर चढ़ने लगता है। ये पानी प्लास्टर, पीओपी, पुट्टी वगैरह में से उठती सीलन के रूप में नजर आने लगता है, नतीजा पेंट का उखड़ना और कई दूसरी समस्याएं। आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लिंथ लेवल पर एक अपारगम्य रोक बनाई जाती है। जैसा आप जानते हैं इसे डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, परंतु ये डैम प्रूफ कोर्स यदि खराब हो जाए तो सीलन की समस्या उभर आती है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो तो पानी फर्श के स्तर से 4 से 6 फुट ऊपर तक चढ़ सकता है। अब आपकी समस्या का एक बहुत ही अच्छा समाधान है डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री। डैम फ्री एक अत्याधिक तरल और अधिक पारगम्यता वाला सिलिकॉनेट आधारित इंजेक्शन ग्राउट है जिसे खास तौर पर ईंट की दीवारों में जमीन से उठती सीलन के लिए तैयार किया गया है। जब डैम फ्री को नम दीवारों में डाला जाता है तो वो दीवारों की नलियों के बीच भर जाता है। यहाँ ये पानी की मौजूदगी में जम जाता है और ईंटों तथा प्लास्टर के अंदर की नलियों को जाम कर देता है। डैम फ्री काई और फंगस यानी कवक को भी रोकता है, इसलिए ये सांस की बीमारियों और अस्थमा को भी दूर रखता है। तो डैम फ्री को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? डैम फ्री ईंट की दीवारों के लिए बहुत प्रभावशाली है। और हम डैम फ्री को लगाते कैसे हैं? चलिए डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री के इस्तेमाल का सही तरीका देखते हैं। पहले उस क्षेत्र पर निशान लगाइए जहां ग्राउटिंग करनी है और नलियां डालनी हो। एक ईंट की दीवार के लिए दीवार के किसी भी एक तरफ छिद्र ड्रिल किए जा सकते हैं। दो ईंट की दीवार हो तो दोनों तरफ छिद्र ड्रिल करना जरूरी है। डैम फ्री को दीवार के जितने निचले हिस्से में डालेंगे उतना अच्छा होगा। छिद्र 2 सीधी लाइनों में होने चाहिए। निचली लाइन फर्श या जमीन के स्तर से 150 मिलीमीटर ऊपर होनी चाहिए जबकि दूसरी लाइन उससे 225 मिलीमीटर ऊपर। छिद्रों के बीच 150 मिलीमीटर फासला होना चाहिए। एक छिद्र निचली तो दूसरा छिद्र ऊपरी लाइन पर होना चाहिए। 12 से 15 मिलीमीटर मोटाई की ड्रिल बिट इस्तेमाल करके नीचे की तरफ 45 डिग्री के कोण पर छिद्र ड्रिल कीजिए। छिद्र की गहराई दीवार की आधी से लेकर 3/4 मोटाई तक होनी चाहिए। 12 से 15 मिलीमीटर मोटाई वाली नलियों को इन ड्रिल किए गए छिद्रों के अंदर डालिए। नलियों को इस तरह से बिठाइए कि उनके अगले सिरे पर ग्राउटिंग लिक्विड के बहने के लिए काफी जगह बची रहे। डॉक्टर फिक्सिट पेडिग्रिट यूआरपी या एमपीबी मिश्रित सीमेंट रेती का मसाला इस्तेमाल करके नलियों को सील कीजिए और सूखने के लिए 24 घंटे तक छोड़ दीजिए। सीलन की गंभीरता के अनुसार डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री में पानी मिलाया जाता है। समस्या ज्यादा गंभीर हो तो 1 भाग डैम फ्री और 5 भाग पानी का घोल बनाइए। कम गंभीर समस्या के लिए 1 भाग डैम फ्री और 10 भाग पानी का घोल बनाएं। सबसे पहले छिद्र में ग्राउटिंग पंप की मदद से
घोले गए डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री को डालिए। ऐसा पंप इस्तेमाल कीजिए जो 2 किलो प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर तक का प्रेशर पैदा करे। अगर किसी निचले छिद्र से डैम फ्री बाहर निकलने लगे तो पंप मारना बंद करके छिद्र को सील कीजिए, जिसकी विधि हम कुछ देर में बताएंगे। यदि डैम फ्री बाहर न आए तो पंप जब तक भारी न चलने लगे तब तक पंप कीजिए। डैम फ्री को उस छिद्र में 1 घंटे तक सूखने दीजिए। तब तक आप इस क्षेत्र से कुछ दूर किसी और छिद्र पर काम निपटाइए। 1 घंटे के बाद उसी छिद्र में फिर से डैम फ्री डालिए, जब तक आसपास के किसी छिद्र से डैम फ्री न निकलने लगे या पंप जब तक भारी न चलने लगे। अब साथ की नली पर जाकर यही प्रक्रिया दोहराइए। छिद्रों को सील करने के लिए बाहर निकली नलियों को काट दीजिए। किसी उपयुक्त ग्राउटिंग कंपाउंड से छिद्रों को सील कीजिए। अब नजर डालते हैं कुछ सावधानियों पर जो डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री इस्तेमाल करते हुए बरतनी चाहिए। डैम फ्री को दीवारों में उपयुक्त मात्रा में भरना जरूरी है। तब तक पंप कीजिए जब तक डैम फ्री किसी छिद्र से बाहर न निकले या फिर पंप जब तक भारी न चलने लगे। सीलन की गंभीरता के अनुसार ही डैम फ्री में पानी मिलाना चाहिए। आपने बाहरी दीवार में डैम फ्री को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया समझा दी, परंतु सीलन अगर अंदर की दीवार में हो तो? हाँ ऑस्कर, अंदर की दीवारों के लिए भी विधि बिल्कुल ऐसी ही रहती है। सर ये बताइए, डैम फ्री डालने से पहले ईंटों की सतह के ऊपर से प्लास्टर हटाना जरूरी नहीं होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं होता, बल्कि यही तो फायदा है डैम फ्री को इस्तेमाल करने का। ये बताइए, क्या डैम फ्री पत्थर की दीवारों या कंक्रीट में भी काम आता है? नहीं, डैम फ्री को सिर्फ ईंटों के लिए बनाया गया है। डैम फ्री के इस्तेमाल के बाद सतह की सीलन सूखने में कितना वक्त लगता है? ये वातावरण की स्थिति तथा सीलन की गंभीरता पर निर्भर है और सूखने में 4 से 10 हफ्ते लग सकते हैं। और डैम फ्री का असर कब तक साथ निभाता है? ऑस्कर, अगर ठीक से लगाया जाए डैम फ्री ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यकीन है मेरे सभी कॉन्ट्रैक्टर दोस्त डैम फ्री की मदद से जमीन से उठती सीलन की समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपकी सहायता कर सका। धन्यवाद। अगर आप भी जमीन से उठती सीलन यानी दीवारों के कैंसर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमेशा इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर फिक्सिट डैम फ्री, दीवारों में उठती सीलन की समस्याओं का सबसे बेहतरीन समाधान।